Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. Hello friends, welcome back to Fauzi ke Alfaz. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10+2 के बाद आप इंडियन आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनडीए एग्जाम की। एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए खड़कवासला पुणे में है और ये दुनिया की पहली एकेडमी है जहां तीनों फोर्स आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स की ट्रेनिंग एक साथ होती है। एनडीए के साल में दो बार टोटल 320 वैकेंसीज निकलती हैं, जिनमें 208 वैकेंसी इंडियन आर्मी, 70 वैकेंसीज इंडियन एयरफोर्स और 42 वैकेंसीज इंडियन नेवी के लिए निकलती हैं। एनडीए एग्जाम यूपीएससी के द्वारा साल में दो बार कंडक्ट करवाया जाता है और एनडीए एग्जाम का नोटिफिकेशन जून और जनवरी मंथ में निकलता है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबल क्राइटेरिया की। अगर आप 10+2 में हैं या आपकी 10+2 कंप्लीट हो गई है तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर अगर आप एनडीए के थ्रू इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10+2 में मैथ और फिजिक्स का होना कंपल्सरी है, और वहीं एनडीए के थ्रू आर्मी में आप किसी भी स्ट्रीम से अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए एग्जाम के लिए आपकी एज लिमिट 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए, और इसके लिए सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकती। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। इसमें सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आप SSB इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो आपका मेडिकल होता है, और उसके बाद आपको 3 ईयर के लिए एनडीए भेजा जाता है, और वहां से 1 ईयर के लिए IIM देहरादून भेजा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। हर साल इंडियन आर्मी अलग अलग जगहों पर रिक्रूटमेंट रैलीज ऑर्गेनाइज कराती है, जिसका नोटिफिकेशन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाता है। इस रैली के थ्रू इंडियन आर्मी रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के बेसिस पर कैंडिडेट को अदर रैंक्स के लिए सिलेक्ट करती है। इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी के कई सारे पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, लेकिन इन सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपकी एज लिमिट 16.5 से 21 ईयर के बीच में होनी चाहिए, और इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास आउट है। और अगर आप सोल्जर क्लर्क, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इनके लिए आपकी एज लिमिट 17.5 से 23 ईयर के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट तरीके की, जो है TES एंट्री। TES यानी टेक्निकल एंट्रेंस स्कीम। ये एक टेक्निकल एंट्री होती है और इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी को एज एन इंजीनियर ज्वाइन कर सकते हैं। TES एग्जाम की साल में दो बार 90 वैकेंसीज निकलती हैं। TES एग्जाम का नोटिफिकेशन मई, जून और अक्टूबर नवंबर के मंथ में आता है। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबल क्राइटेरिया की। इस एंट्री के लिए सिर्फ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट ही एलिजिबल हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में 70% और उससे अबव होने चाहिए। इसकी एज लिमिट 16.5 से 19.5 के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसमें आपको SSB इंटरव्यू के लिए कट ऑफ लिस्ट के आधार पर बुलाया जाता है। इसकी टोटल ट्रेनिंग ड्यूरेशन 5 साल की होती है। 4 साल आपको आर्मी के इंजीनियरिंग कॉलेज में टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाती है, और 1 साल OTA यानी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इफ एनी डाउट राइट ऑन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।